लिए और टीम के लिए, ये आजकल एक मार्केट का एक मतलब ऐसा एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि कौन सा ले। बेसिकली जो फर्क है वो 500 वाट का है, प्राइसिंग में फर्क काफी ज्यादा है। तो आपको 2.5 के भी लें या 3 के भी लें, 3 के भी लेने का आपको क्या क्या फायदा है? कौन ऐसे यूजर्स हैं जिनको 3 के भी सूट करेगा और कौन ऐसे यूजर्स हैं इनको 2.5 के भी सूट करेगा? बेसिकली दोनों में क्या फर्क है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि 3 के भी सोलर सिस्टम लगवाने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या है, आप किस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में 3 के भी में कम से कम पैनल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पा सकते हैं, और आपको आप अपने घर पे ही कैसे वो अपने उस सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस पसंद आते हैं, ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा और इस वाली वीडियो पे भी आपका लाइक और शेयर मुझे ज़रूर मिलेगा। आप ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पहले 2.5 के वी की। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग 2.5 के वी का जो सिस्टम है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर में दिन का लोड ज़्यादा है। सपोज उनके घर में एक एक टन का इन्वर्टर एसी है, एक 1 HP का सबमर्सिबल पंप है और उनको जो उनका सबमर्सिबल पंप है वो चलता है सपोज 15 से 20 मिनट या 1 घंटे चलता है। एसी जो है उनका वो लगभग दिन में 6-7 घंटे चलता है, बाकी कूलर फैन का लोड है। तो उन लोगों के लिए 2.5 के वी का जो पैक है वो सफिशियंट है। अब उस पैक में हम लोग क्या देते हैं, उसमें 4 हम बाइफिशियल के पैनल देते हैं, 2 उसके अंदर 150 Wh की सोलर C10 वाली बैटरी देते हैं और 1 उसमें 2.5 के वी का, चाहे वो आप MPPT PCU ले सकते हैं या फिर आप उसमें PWM मॉडल ले सकते हैं। तो ये वाला हम पैक देते हैं लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में, वो पैक देते हैं। PCU की कॉस्ट उसमें वैरी करती रहती है क्योंकि इसमें हम 4 मॉडल बनाते हैं, 3175 नॉर्मल, 3175 कॉपर, 2 KV MPPT और 2.5 KV MPPT। तो 4 मॉडल के साथ आता है, 4 मॉडल के साथ में उसकी प्राइसिंग जो है थोड़ा वेरी करती है। अभी जो जिन लोगों के घर में ऐसा लोड है कि भाई उनको जो है 1 टन का एसी है वो दिन में भी चलाना है, रात में भी चलाना है, या 1.5 टन का उनका इन्वर्टर एसी है और उनको नाइट में भी चाहिए, भाई नाइट में भी उनको 4 से 6 घंटे चलाना है और उनको दिन में भी अपना 4 से 6 घंटे चलाना है। बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में 1 HP का जो सबमर्सिबल पंप है उनको 4 या 5 घंटे चलाना है। तो उन लोगों के लिए 2.5 के वी का जो पैक है वो बेस्ट पैक नहीं है। उन लोगों के लिए 3 के वी का जो ये वाला पैक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला पैक उन लोगों के लिए बेस्ट है। जैसे हम लोग बात कर लें कि अगर आपके घर में 15 से 20 यूनिट पर डे का कंजप्शन है, तो कंजप्शन तो आप निकाल ही लेते हैं, माना सुबह 7 बजे से, आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक आप चेक करेंगे अपने मीटर को, तो अगर आपका पावर कंजप्शन 15 से 20 यूनिट के अंदर आता है तो उसके लिए जो आपको सिस्टम, आपको सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा, वो एटलीस्ट आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा पोली पैनल के साथ में। अब उसमें बैटरी आप 4 भी रख सकते हैं और बैटरी आप 8 भी रख सकते हैं उसके अंदर। तो जो हमारे ट्रेडिशनली पोली पैनल्स होते हैं उनका अगर हम 5 किलोवाट का हम सिस्टम लगाते हैं तो हमें 15 से 20 यूनिट का साल में 320 दिन का हमें प्रोडक्शन मिलता है। अब इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आपको 15 से 20 यूनिट का ही आपको जनरेशन चाहिए तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग देते हैं बायोफिशियल पैनल के साथ में। आप अपना PCU वही रखिएगा जो आपका एग्जिस्टिंग PCU है, आप अपना बैटरी वही रखिएगा जो आपकी ट्रेडिशनल बैटरी आपने लगा रखी है, अगर नहीं लेनी है तो आप सोलर बैटरी पर स्विच कर सकते हैं। तो अभी इसमें चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है इसमें पैनल का, तो बाइफेशियल आपको पैनल लेने हैं इसके अंदर, मोनो पर्क बाइफेशियल पैनल लेते हैं। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि बाइफेशियल का मतलब ये नहीं है कि बाइफेशियल आप पोली के साथ नहीं कर सकते, पोली पैनल के साथ भी बाइफेशियल बन सकता है, मोनो के साथ भी बाइफेशियल बन सकता है और मोनो पर्क के साथ भी बाइफेशियल बन सकता है। बेसिकली मैं जो बाइफेशियल बोलता हूँ उसका मतलब है कि मैं उसके अंदर जो सेल लगा हुआ है वो मोनो पर्क का सेल लगा हुआ है, मैं मोनो पर्क बाइफेशियल की बात करता हूँ आपसे। तो जैसे कि आप बाइफेशियल पैनल के बारे में जानते हैं कि बाइफेशियल पैनल दोनों तरफ से काम करता है, स्टैंड ज़्यादा होती है, खूबसूरत ज़्यादा होता है, स्पेस कम लेता है और उसके अलावा लो लाइट कंडीशन में काम करता है। कुछ मेरे ऐसे यूजर्स हैं जिनका अक्सर मेरे को ये सवाल रहता है कि सर हमारा जो क्लाइमेट है वो 40 डिग्री के आसपास रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों का या तो टेम्परेचर होगा तो 40 डिग्री, धूप निकलेगी तो बहुत तेज़ निकलेगी, पर ना क्लाउडी मौसम रहता है। तो उन लोगों के लिए जो बाइफेशियल मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल है वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, बिल्कुल बेस्ट है। तो आप लोग ऐसी जगहों पे जहाँ पे 40 डिग्री से का टेम्परेचर रहता है, 40 से प्लस रहता है, हाई टेम्परेचर रहते हैं या क्लाउडी मौसम है, वहाँ पे बायफेशियल पैनल बेहतरीन काम करते हैं और एक बेस्ट चॉइस है बायफेशियल पैनल की। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि बहुत तेज धूप में जो है वो पोली पैनल काम करता है, तो वो गलत बात है, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी उसी बात को बार बार नहीं बताना है।
तो बेसिकली आपको अगर ऐसी जगह पे आप रहते हैं तो भी आप बायफेशियल भी लगवाइए, और आप नॉर्मल जगह पे भी रहते हैं तो भी बायफेशियल लगवाइए। बायफेशियल पैनल लुक वाइज बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टूटने का खतरा भी कम होता है, और हिंदुस्तान की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर सेल की वो है मोनोपर्क, और जो सबसे लेटेस्ट पैनल है वो है मोनोपर्क बायफेशियल पैनल। तो अब मोनोपर्क बायफेशियल पैनल के साथ में ये वाला मैं आपको पैक बताने वाला हूँ। अब इस पैक के अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं इसके अंदर 8 बायफेशियल पैनल 390 वाट के। अभी जब मैं आपसे 390 वाट बोल रहा हूँ तो 390 वाट का मतलब है कि 390 वाट का जो फ्रंट साइड जनरेशन है इसका, हम लोग वो अश्योर कर रहे हैं कि इसका जो फ्रंट साइड जनरेशन है वो 300 वाट का है, 390 वाट का है। अब जो भी इसका रियर साइड का जनरेशन है वो अलग है, वो मैटर करता है कि उसके आपने किस तरह उसको लगाया हुआ है, उसका जो ग्राउंड है जो उसके पीछे है पैनल के पीछे वो कितना रिफ्लेक्टिव है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि आप 390 वाट के आप 8 पैनल लीजिएगा, और इसके साथ में आप 4 बैटरी सोलर C10 वाली लीजिएगा, 3 kVA का आप अपना सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। तो इसमें जो है वो लगभग आपको 15 से 18 यूनिट के बीच का आपको पर डे का आपको जनरेशन मिल जाएगा, ऑन एवरेज साल के 320 दिन। स्पेस आपका कम लगेगा, स्ट्रक्चर आपका कम खर्च होगा इसमें। अब इसका आपको फायदा ये है कि आप लो लाइट कंडीशन में भी आपको काम मिल रहा है, मतलब आपका पैनल काम कर रहा है लो लाइट कंडीशन में, जहाँ पे पोली पैनल काम नहीं करेगा फेल हो जाएगा। दूसरा आपका बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर हो जाते हैं तो पोली पैनल्स की इफिशियंसी कम हो जाती है, वहाँ पे आपके इस पैनल की इफिशियंसी कम नहीं होगी, स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिल गई। तो ये इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बैटरी आपको इसमें वही 4 अपनी यूज करनी है जो 16C10 बैटरी होती हैं। अब इसका जो PCU है वो हम लोग इसमें हाइब्रिड PCU दे रहे हैं। अब जैसे कि हाइब्रिड वर्ड से लोगों का मानना ये होता है कि हाइब्रिड वर्ड जो है वो ये होता है कि जैसे हमारा ग्रिड आ रहा है तो ग्रिड के साथ में हम अपना सोलर के सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, लाइक दैट कि आपके यहाँ पे जो पैनल लगा हुआ है वो 2 kW लगा हुआ है और वो जनरेशन कर रहा है सपोज 1 kW का, और आपका जो कंजप्शन हो रहा है वो हो रहा है 1500 वाट का। तो ये जो हमारा PCU है ये 500 वाट आपके ग्रिड में से निकाल लेगा और ग्रिड में से सोलर के साथ इसको सिंक्रोनाइज करके आपके लोड को चला देगा। एक्चुअल में हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि वो अगर आपकी जो जनरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, लोड आपका कम चल रहा है, तो जो बाकी बची हुई लाइट है उसको ग्रिड में पास आउट कर दे नेट मीटरिंग के थ्रू। पर वाला जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हमारे वाले सिस्टम में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऑफ ग्रिड के अंदर जो भी अभी हमारे रिलेटेड डिस्कॉम है उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है कि ग्रिड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रिड सिस्टम में दिया जाए। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, तो वो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको नहीं डिस्कस करने वाला हूँ उन वजहों को। तो बेसिकली अगर आपका लोड कम है, आपने ग्रिड के साथ में इसको लगा रखा है, तो ग्रिड के साथ वो सिंक्रोनाइज करके आपके लोड को चला देगा। ये PCU की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर ट्रू MPPT का कंट्रोलर लगा हुआ है और आप इस पे 3 kW का पैनल पूरा लगा सकते हैं। इस वाले सोलर PCU पे आप 2400 वाट का आप लोड चला सकते हैं, और लाइक आपका 1.5 टन का AC हो गया, इन्वर्टर वाला मॉडल है, आप इस पे चला सकते हैं। आप इस पे अपना 1.5 HP का आपका जो सबमर्सिबल पंप होता है वो भी आप इस पे चला सकते हैं। आपके घर के रेफ्रिजरेटर्स और आपके घर का जो 1 टन का अगर AC लगा हुआ है तो 1 टन का AC वो भी आप इस पे चला सकते हैं। घर में मिक्सी होती है और वो सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन और वो सारी चीज़ें, तो छोटी चीज़ें, तो वो सब आप इस पे चला ही सकते हैं सोलर पैक पे। देखिए अगर आप 5 kVA का आप पोली के साथ में सिस्टम लेते हैं तो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के बीच आपको वो सिस्टम मिलने वाला है। तो सेम प्राइसिंग इसकी भी लगभग वही रहने वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी इस पैक के साथ में हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे आपको 4 बैटरी, आपको 8 पैनल, एक 3 kVA का 48 वोल्ट का सोलर PCU और वायर्स। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हमने अलग से रखा हुआ है कि मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो आप स्ट्रक्चर हमसे ले सकते हैं, और अगर स्ट्रक्चर नहीं चाहिए तो आप कोई जरूरत नहीं है आपको स्ट्रक्चर लेने की, क्योंकि मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने यहाँ के जो लोकल आपके यहाँ का जो फैब्रिकेटर है उससे आप MS का स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा MS का स्ट्रक्चर, और आपके घर पे बन जाएगा। और उसमें स्ट्रक्चर बनाने में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको हमारी तरफ से फुली सपोर्ट मिलेगी। हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सारे नंबर्स उसमें दिए गए हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे तो वो आपको हमारे जो बंदे हैं वो अपने टेक्निकल टीम का आपको नंबर दे देंगे। तो आप अपने जो भी फैब्रिकेटर है वहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम से बात करा दीजिएगा, तो हमारा जो टेक्निकल बंदा है वो उनको बता देगा कि साहब इतने स्लोप पे आप इसको लगा दीजिए, इतने डिग्री का आप एंगल दे दीजिए, और इस तरह पैनल के हमारे होल्स हैं और आप बना दीजिए। तो वो आपका कोई जो भी नॉर्मल आपका फैब्रिकेटर है वही फैब्रिकेटर आपका स्ट्रक्चर डिजाइन कर देगा। अब रह जाती है बात इसके इंस्टॉलेशन की, तो इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है।
कि आपको सिर्फ ये करना है कि एक जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं भाई, जो भी वो चार्ज करते हैं 100 200 500 जो भी करते हैं, मतलब मैं ही नहीं कह रहा वो 100 200 ही करते हैं, अगर 500 भी करते हैं, तो उनका बस 1 घंटे का काम है। आप उनको बुला लाइए, हमारे एक बंदे से बात करा दीजिए, और एक बंदे से बात कराने के बाद में आपका सोलर का इंस्टॉलेशन हो जाएगा, टोटली प्लग एंड प्ले। अगर आपको ये है कि आपको स्ट्रक्चर हमसे लेना है, तो हम स्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो पूरा कॉम्बो हम बना रहे हैं, कॉम्बी बना रहे हैं हम उसकी स्ट्रक्चर के साथ भी, तो उसके अंदर आपको नट बोल्ट फास्टनर कुंदे सब मिलेंगे उसके अंदर, वो भी प्लग एंड प्ले है। और उसमें भी इस तरह का हमने सिस्टम बनवाया है स्ट्रक्चर वालों से कि जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब सरका दर्द ना करना पड़े, वो टोटली प्लग एंड प्ले टाइप हो। पर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करेगा, वो 7 रुपये वॉट के आसपास में कॉस्ट करेगा वो वाला जीआई स्ट्रक्चर। तो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको कि आपका अब नॉर्मल एमएस का बनवाएंगे तो 2 3 रुपये वाट में आपका बन जाएगा, अब हमसे लेंगे तो 7 रुपये, वो हमारी चीज़ महंगी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब देखो वो चीज़ हमारी महंगी है, हम नहीं बनाते हैं उसको और वो हम लोग लेते हैं दूसरे लोगों से। तो उनको हमने स्पेशली डिजाइन दिया है कि भाई हमें इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस तरह के यूजर हैं जो फैब्रिकेशन वाले के पास नहीं जाना चाहते, और उन्हें जीआई स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम लोग उसमें जीआई स्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये सवाल होगा कि सर आप इसका प्राइस बता दीजिए, तो इस वाले जो सिस्टम का प्राइस है वो है इसके अंदर 1 PCU, 4 बैटरी, 8 सोलर पैनल और आपका 10 10 मीटर का DC वायर। ये आप चार चीज़ हम आपको 1,90,550 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस पे GST एक्स्ट्रा है और ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो भी एक्स्ट्रा है इस पे। अगर आपको स्ट्रक्चर हमसे चाहिए तो स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया है, 7 रुपये वाट है, वो आपको स्ट्रक्चर भी आपका मिल जाएगा, हमसे ही मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस पैक की कॉस्ट है। तो अगर आप इस पैक में अगर जनरेशन के हिसाब से पैक को कैलकुलेट करेंगे किसी भी पोली पैनल के साथ में या मोनो पैनल के साथ भी आप कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये वाला पैक आपको सस्ता पड़ेगा। क्यों सस्ता पड़ेगा? क्योंकि सेम है, अगर जनरेशन के हिसाब से वहाँ पे भी आपको 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको 18 यूनिट के आसपास का अगर जनरेशन मिल रहा है, तो इस वाले पैक के साथ भी आपको 18 यूनिट का जनरेशन मिल जाएगा। अब इसके अलावा आप लोगों का एक ही शिकायत मुझसे ज़रूर होगी आपकी कि सर आपका जो है वो फ़ोन नहीं उठता है, रिस्पॉन्स आपका लेट आता है, तो उसके लिए मैं हर वीडियो में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस वाली वीडियो में भी आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ कि वो बिजीनेस की वजह से है, कुछ जैसे ही अगर ये हालात थोड़े और ठीक होते हैं, स्टाफ कुछ और बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। इसी वजह से जो कुछ हमारे मेरे व्यूअर्स हैं वो नाराज़ भी हो रहे होंगे मुझसे कि सर उनका जो है वो पार्सल कुछों का ट्रांजिट में है, कुछों का थोड़ा लेट पहुंचा है, तो उन सभी में अपने यूजर्स भाइयों से मैं मतलब हार्टली मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछा जो वजह है वो ये है कि प्रोडक्शन जो है वो कम है, लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि लेबर शॉर्टेज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल मंदी है, तो पर हम लोग हैं, हम लोग लग रहे हैं पूरी तरीके से लग रहे हैं, हम लोग उसको बहुत जल्दी उसको प्रॉब्लम को अपनी को रिजॉल्व कर लेंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चीज़ें चैलेंज आते रहते हैं लाइफ में, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये इसको भी हम एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं, और आई होप कि हम बहुत जल्दी इसको भी शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों से इतना ही कहना था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला पैक भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर ही करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आखिर तक आपने मेरा वीडियो देखा, अपना इतना बहुमूल्य अपना समय मुझे देखने में बिताया, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद, थैंक यू।